अब वो कहाँ है? अपने कमरे में है। मैं उन्हें दो बार कह चुकी हूँ कि नाश्ता तैयार है, मुझे वो बहुत परेशान लग रहे हैं। हमारे साथ जो हो रहा है उस वजह से उनकी परेशानी फितरी बात है। नहीं अकरम, मुझे लगता है उनकी परेशानी कुछ और है। पहले कम से कम वो हंसते मुस्कुराते थे, अब तो जैसे उनकी होंठों की मुस्कुराहट गायब ही हो गई हो। अचानक उनमें ये तब्दीली देख के मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। क्या हो सकता है उन्हें? आप ही उनसे पूछ लें। ठीक है, मैं उन्हें लेकर आता हूं। क्या बात है? अबू आप बड़े खामोश हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना अबू? मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक। अबू, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अब छोड़ो ये बातें, नाश्ता कर लो। अबू, जब तक आपकी परेशानी का कोई हल ना निकल जाए मुझे चैन नहीं आएगा, और ये तभी हो सकता है जब आप अपनी परेशानी हमें बताएं। कहने को तो मामूली सी बात है, लेकिन फैजान की बेरुखी मुझे सही नहीं जाती। उन्होंने कुछ कहा आपसे? इसी बात का तो अफसोस है कि उसने कुछ नहीं कहा। कहता तो दिल का गुबार छटता, बस एक नजर नफरत से देखा और चल दिया। आपकी मुलाकात हुई उनसे? कहीं ये मुलाकात उस वक्त तो नहीं हुई जब आप नमीरा को देखने हॉस्पिटल गए थे? हाँ, मैं वहां नेक जज्बे के तहत गया था, मगर फैजान को उससे क्या, उसके दिल में नफरत और बदगुमानी पनप रही है। अबू, अंकल की ये बदगुमानी चंद रोज की है। जैसे ही समीर कानून की गिरफ्त में होगा उन्हें अपने बेटे से भी नफरत हो जाएगी, और फिर सब ठीक हो जाएगा। अबू, मैं तब तक का इंतजार नहीं कर सकता था बेटे। फैजान की बेरुखी और मैं नहीं सह सकता, इसलिए मैंने कमिश्नर साहब से मिलकर समीर के खिलाफ कंप्लेन वापस ले ली है। क्या? अबू, जज्बात में बहकर आपने जल्दबाजी में फैसला किया। अबू, अबू आपके दिल को बुरा जरूर लगता, मगर फिर भी आपको सब्र से काम लेना चाहिए था। ये मैं तो काम गया था बेटे। एक तरफ फैजान की बेरुखी और दूसरी तरफ नमीरा की बातों ने मुझे झंझोर दिया था। वो कहने लगी मैदान हश्र में वो मेरा गिरेबान पकड़ेगी। हकूकुल आबाद की बात सामने आई। तुम तो समझते ही हो बेटे कि हकूकुल आबाद क्या है। दुनिया में किसी पर किसी भी तरह का कोई कर्ज हो या उसके साथ कोई हक तलफी हुई हो तो पाक परवरदिगार उसके हक में इंसाफ करेगा। और बेटे, मैं नमीरा का गुनहगार बनकर पाक परवरदिगार के हुजूर में पेश नहीं होना चाहता था। लेकिन अबू, नमीरा का आपने क्या बुरा किया है जो? बेटे, हम जानते हैं कि समीर की बदौलत नमीरा की गोद भरने से पहले ही उजड़ गई, मगर जो हालात हुए थे कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार मैं भी तो हूं। हेलो फैजान साहब, मैं श्रीवास्तव बोल रहा हूं। श्रीवास्तव साहब, फरमाइए, अब कौन सा नया इल्जाम मेरे बेटे के सर लगाया गया है? इल्जाम वापिस ले लिया गया है। क्या? जी हाँ, और यही बताने के लिए मैंने आपको फोन किया। सरफराज मेरे पास आए थे और उन्होंने माफी मांगते हुए अपनी कंप्लेंट वापिस ले ली। तो आखिर सरफराज को अकल आ ही गई। श्रीवास्तव साहब, ये बताइए कि कंप्लेंट उन्होंने क्यों वापिस ली? ये तो मैं नहीं जानता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, मगर इतना जरूर देखा है कि वो बहुत दुखी लग रहे थे। वो भी इसलिए कि आपका उनसे सामना हुआ और आपने उनसे बात नहीं की। अब ये हालात तो सरफराज साहब ने खुद ही पैदा किए थे श्रीवास्तव साहब। अब उनकी तरफ से आप अपना दिल साफ कर लीजिए और कुछ ऐसा कीजिए कि समीर पर किसी को शक करने का मौका न मिले। आप ही बताइए क्या किया जाए। कोई अच्छी सी लड़की देखकर समीर की शादी करवा दीजिए, शायद इससे मिर्जा साहब के मन का भी शक दूर हो जाए। जी बेहतर है, हम भी काफी दिनों से यही कोशिश कर रहे हैं कि कोई अच्छी सी लड़की मिले और वो समीर को भी पसंद आ जाए। आप नहीं जानती आपा, आपके इस घर में लौट आने से मुझे कितनी खुशी हो रही है। तुम ये ना समझना गुलनार कि मैं इस घर में लौट आई हूँ तो समीर के सर पर सहरा बनने का अरमान फरामोश कर बैठी।
समीर के सर पर सेहरा ना बंधा ना तो देखना मैं क्या करूंगी। आपा, क्या ये हमारा अरमान नहीं है? मगर हम समीर के हाथों मजबूर हैं। कभी उसके दिल में झांक कर तो देखो, वो चाहता क्या है। अब तो आपा बस आप ही की बात में सच्चाई नजर आती है। हीना अगर समीर की निकाह में आ जाए तो, मगर ये अनहोनी सी लगती है बात। अब हीना को लेकर समीर की बात तुम मुझसे ना करो। अगर फैजान भाई ने सुन लिया ना तो कोई नया बखेड़ा सामने आ जाएगा। अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात है ना तो तुम ही फैजान भाई से कर लो। हाँ, उनसे तो अब इस तरह की कोई बात करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। वैसे भी वो इन दिनों कुछ उखड़े उखड़े से रहते हैं। पता नहीं आपा इस घर में खुशियां कब लौट आएंगी। मैं तो कहती हूँ किसी अला बला का साया तो नहीं पड़ गया घर पर। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बात पुराने ख्यालों की सही, अगर हकीकत है ऐसे एक नहीं कई घर देखे हैं मैंने। मैं तो कहती हूँ किसी आमिल को बुलाओ और दुआ तावीज करवा लो। नहीं आपा, ये तो हीना की आहों का असर है। इस घर से उसे बस तकलीफ, परेशानी और रुसवाई ही मिली है। अब वो ही हमें माफ कर दे तब चैन आ जाए। क्या बात है, हमारी बुराई हो रही है क्या? क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो फैजान भाई। खुशी की तो बात ही है, हमारे बेटे के खिलाफ कमिश्नर साहब के पास जो कंप्लेंट लिखाई गई थी वो सरफराज ने वापस ले ली। हाँ, अभी भी कमिश्नर साहब का फोन आया था, उन्होंने बताया मुझे। मुझे बताओ तो आखिर मामला क्या है, कब से सुन रही हूँ इस बारे में, जानने का मौका ही नहीं मिला। अरे भाई गुलनार, इन्हें तफसील से बता दो वरना मेरा सर खा जाएंगी ये। शुक्र करो फैजान भाई, अभी तक सर खाने की नौबत नहीं आई। जिस दिन आ गई उस दिन पता चलेगा मैं क्या हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे हीना अकरम। वालेकुम सलाम। आओ बेटे। शुक्र है आज ये घर तो याद आया। बैठो बेटा। मुझे पता चला कि आप हीना को लेने हमारे घर आई थी और हीना के इनकार से आप मायूस हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं हीना को लेकर ही आता हूँ आपसे मिलाने के लिए। अच्छा किया। अब कुछ रोज हमारे साथ रहोगी ना? नहीं अम्मी, मैं आपसे मिलकर अकरम के साथ वापस घर लौट जाऊंगी। इतनी जल्दी जाना है तो आई क्यों? आप नाराज ना हो अम्मी, मैं आती रहूंगी। अबू नहीं लौटे अभी तक? नहीं, वो देर से लौटेंगे, आज सबा भी उनके साथ है। माशाल्लाह आजकल उनका बिजनेस काफी जोर पर है, दूसरे मुल्कों से काफी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं उन्हें। ये तो अल्लाह का करम है, बैरूनी मुल्कों में हिंदुस्तानी कपड़ों की बहुत डिमांड है। अरे हाँ हीना, बड़ी प्यारी लग रही हो। जब से आई हो मेरी तो नजर नहीं हट रही तुम्हारे चेहरे से। एक चमक सी आ गई है। अबू ने सलाम कहा है आपको। वालेकुम सलाम। अब उनकी तबीयत कैसी है? जी अभी ठीक है, दूसरों को इलाज करते हैं, खुद का तो करेंगे। दरअसल उनकी बीमारी की वजह वो फोन कॉल्स थे। मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। जी हीना, क्या रुकने का इरादा है? जी नहीं। डॉक्टर सरफराज खान साहब। जी हाँ। आई एम इंस्पेक्टर आरिफ। ओ आइए, तशरीफ लाइए। जी फरमाइए। देखिए आज से हमने चार्ज ले लिया है, इंस्पेक्टर पाटिल ने आपको बताया होगा। जी हाँ जी हाँ, उन्होंने मुझे कहा था, बल्कि मैं आपके डिपार्टमेंट का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी सिक्योरिटी के लिए इतना अच्छा बंदोबस्त किया है। इंस्पेक्टर पाटिल बता रहे थे कि आपके अलावा इस घर में आपका एक बेटा और बहू भी रहते हैं। जी हाँ, बाहर गए हुए हैं, जब आएंगे मैं उनसे आपका तारुफ करा दूंगा। बेहतर। बल्कि इंस्पेक्टर पाटिल तो मुझे ये भी कह रहे थे कि मुझे आपकी रिहाइश का बंदोबस्त करना है। हमारे घर के पीछे एक कमरा खाली है, मैंने वो ठीक कराया है, आप वहीं रहेंगे।
आइए मैं आपको वो कमरा दिखा देता हूं। चलिए। बेटे और लो। नहीं बस। अरे यहाँ बस बस नहीं चलेगी, ये सब तुम्हें ही खत्म करना है। इतना सारा क्यों, अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो इतना है कि पेट भर गया मगर दिल नहीं भरा। रेशमी कबाब बनाने में अम्मी का जवाब नहीं, बाकी सारे खाने मैं आपकी तरह बना लेती हूँ, लेकिन रेशमी कबाब इस तरह के बनाना मुझे अभी तक नहीं आया। इसीलिए कह रही हूँ बेटे, आराम से खा लो, घर में ऐसी लज्जत कहाँ मिलेगी। तो आप जो बना के भेज दिया करेंगी, क्यों ही ना। जी बिल्कुल, लेकिन वो तो बाद की बात है, अभी आपको ये सारा खाना खुद खत्म करना पड़ेगा। अरे कमाल है, तुम खुद तो कुछ खा नहीं रही हो। अरे भाई ये सारा खाना खत्म करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हेलो हेलो, कट गया। उसी का फोन था? अरे नहीं, मेरे दोस्त का फोन था, नेटवर्क नहीं मिल रहा था। तो लैंडलाइन से कर लो। जी हीना बेटी, तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। दुआ कीजिए अम्मी कि आप जल्द से जल्द नानी बन जाएं। चल क्यों नहीं रहा? मुझे नहीं मालूम साहब, मैंने हाथ नहीं लगाया। तो क्या ये अपने आप खराब हो गया? तुम्हें सीधी तरह यहां काम करना है, करो वरना अपनी छुट्टी करो। अब मेरा मुंह क्या देख, सर्विस सेंटर फोन लगाओ, शाम तक मुझे ये विषय ठीक हो जाना चाहिए, मुझे रात को ये कैसेट दे, समझे? हैदर जी, क्या हुआ, ये समीर किस लिए इतना बिगड़ रहा था? उन्हें कैसेट देखनी थी, वीसीआर खराब हो गया। पुलिस क्यों है? सब खैरियत तो है? आपकी तारीफ। जी मेरा नाम अकरम है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, और ये मेरी बेगम है हीना। दरअसल हमें यहाँ आपकी और आपके घर की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है। मेरा नाम आरिफ है, इंस्पेक्टर आरिफ शेख। आप कहीं कहीं अनवर के भाई तो नहीं? जी हाँ, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं? दरअसल मेरे होटल की तामीर के लिए स्टील और सीमेंट हम उन्हीं से मंगवाते हैं। उन्होंने आपके बारे में अक्सर जिक्र किया लेकिन कभी मुलाकात ही नहीं हो पाई। चलिए आज सही, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी दिली मसरत हुई। वेल, हमने आपके घर और ऑफिस के फोन को टैप करने का इंतजाम कर लिया है, एंड आई एम श्योर बहुत जल्द वो गैंगस्टर हमारी गिरफ्त में होगा। थैंक यू वेरी मच। समझ में नहीं आता समीर के दिमाग से हीना का ख्याल कैसे निकाला जाए, उसे उसे कैसे समझाया जाए कि बीते हुए लम्हे लौट कर नहीं आते। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। ये वीडियो कैसे देखी आपने? ये क्या है? ये समीर और हीना की शादी की वीडियो कैसेट है। समीर इसे देखता रहता है और बीती हुई यादों में खोया रहता है। इससे साफ जाहिर है कि वो अब तक हीना को भुला नहीं पाया है, उसकी याद में तड़प रहा है वो। ये उसका पागलपन है और कुछ नहीं। इस पागलपन का कोई तो इलाज होगा। अब हीना तो दोबारा समीर की जिंदगी में नहीं आएगी, फिर कुछ तो इलाज होना चाहिए इस दीवानगी का। मैं फिर से कहती हूँ, इसका एक ही इलाज है, अगर आप इजाजत दे तो। मैं रूबी की बात कर रही हूँ। क्या ये बात आपा ने कही आपसे?
आपका मतलब? क्यों, वो भी तो यही चाहती है ना कि समीर के सर पर जल्द से जल्द सेहरा बन जाए। आपा ने रूबी की बात नहीं की है। अब आप भी मत करिएगा। क्या आपको समीर का जरा भी ख्याल नहीं? ख्याल है, इसलिए नहीं चाहता कि उसकी शादी रूबी से हो। मैं भी रूबी को पसंद नहीं करती, मगर औलाद की खुशी के लिए मैं उसे अपनी बहू बनाने के लिए मजबूर हो गई हूँ। गुलनार, आपकी ये मजबूरी हमारे खानदान पर दाग लगा सकती है। आप भूलिए कि उसके तौर तरीके हमारे खानदान के तौर तरीकों से मेल नहीं खाते। जमाना बदल चुका है, अब हमें भी अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। और फिर जिंदगी समीर को गुजारनी है, वो खुश रहे, हमें और क्या चाहिए? गुलनार, इस मामले में मैं कोई बहस नहीं करना चाहती। मैंने कह दिया कि रूबी हमारी बहू नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, और आइंदा आपके मुंह से मैं रूबी का नाम सुनना नहीं चाहता। अरे भाई, रोकना रोकना रोकना। आपा जान, सलाम अलैकुम। पहचाना मुझे? कहाँ जा रही हैं? बस मार्केट तक जा रही हूँ। आइए, आपको छोड़ देता हूँ, रास्ते में ही है। आइए आइए। चलो चलो भाई। गुलनार ने कहा भी था कि गाड़ी ले जाओ, मैंने ही मना किया, सोचा थोड़ी चहलकदमी हो जाएगी। मैं तो समझी थी कि मैं समीर की खाला हूँ, इसलिए आप मुझे लिफ्ट देना गवारा ही नहीं करें। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं आपा जान, आपसे क्या गिला शिकवा? हाँ, जो समीर ने मेरी बेटी के साथ किया वो मैं कभी भूल तो नहीं सकता, लेकिन एक काम उसने ठीक भी किया। वो क्या? अक्रम से दोस्ती करके। अब देखिए ना, अगर अक्रम समीर का दोस्त ना होता तो मेरी बेटी को इतना अच्छा शोहर कैसे मिलता? तो हीना बहुत खुश है ना अक्रम के साथ? आपा जान, अल्लाह का फजल है, बहुत खुश है, और अपने पुराने गम भी भूल चुकी है। और हमारी बेगम साहिबा तो कह रही थी कि हीना माँ बनने वाली। अच्छा?